बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो डिसऑर्डर्स जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लागू हैं, मतलब कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से लागू हैं, डाइट की वजह से भी अकर होते हैं। सो द डाइट इज़ स्ट्रांगली रिलेटेड टू द डिजीज़ ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कार्डियो वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। अनदर नेम ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से लागू डिसऑर्डर्स हैं, दिस अकर्स ड्यू टू डाइट। उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? वो डिसऑर्डर्स जो हार्ट से लागू हैं या वो डिसऑर्डर्स जो ब्लड वेसल्स से लागू हैं। इन दिस डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो लागू हैं? एंजिना, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, दीज आर द कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। दोज पीपल हु आर टेकिंग हाई क्वालिटी ऑफ फैट, सॉल्ट एंड लो क्वान्टिटी ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड फिशेज हैव अ मोर रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वो लोग जो ज़्यादा फैट लेते हैं, ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, फ्रूट्स कम लेते हैं, वेजिटेबल्स कम लेते हैं, होल ग्रेन और फिशेस जो हैं वो कम लेते हैं, उन सभी पीपल को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं, रिस्क ज़्यादा है। साल्ट हम ज़्यादा लेंगे तो ब्लड प्रेशर का सबब बनेगा और अदर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं उनका सबब बनेगा। अगर हम फ्रीक्वेंट फैट लेंगे फूड में तो हाई फैट की वजह से, हाई शुगर की वजह से वी प्रमोट द ओबेसिटी, जिसकी वजह से क्या होगी? ओबेसिटी होगी, ओवर वेट हो जाएगा और ओवर वेट की वजह से जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है डिजीज़ की वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो हम डिटेल डिस्कस करेंगे आज हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन से क्या मुराद है और हाइपोटेंशन से क्या मुराद है? जब हाइपर लफ्ज़ आए तो हाइपर मीन इंक्रीज्ड। हाइपरटेंशन को हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इट्स अ क्रोनिक मेडिकल कंडीशन। ये डिजीज़ नहीं, इट्स अ मेडिकल कंडीशन है, इट्स अ डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, आर्टरीज़ का, किसका, कौन सी ब्लड वेसल्स का, ब्लड प्रेशर में आर्टरीज़ का ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो जब हम प्रेशर मेयर करते हैं तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं दो रीडिंग्स में, दो मेयरमेंट लेते हैं, एक मैक्सिमम और दूसरी मिनिमम। नॉर्मल अगर बॉडी हमारी रेस्टिंग पोजीशन में हो तो एक अडल्ट का जो प्रेशर है वो 120 बाय 80 mmHg है। mmHg क्या है? इट्स अ यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर का यूनिट है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है? 120 बाय 80। अगर ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाए, ये ब्लड प्रेशर नॉर्मल से लो हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो मीन डिक्रीज्ड, रिड्यूस्ड। लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटेंशन। इट्स नॉट कंसीडर एज अ डिजीज। ये भी कंडीशन है, ये डिजीज नहीं है, इट्स अ कंडीशन जिसमें हमारी आर्टरीज का जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हैं जब मेडिसिन कोई भी देते हैं तो दे आर एडवाइज टू चेक दी ब्लड प्रेशर बिफोर हैविंग एनी मेडिसिन। किसी भी मेडिसिन लेने से पहले हमें अपना बॉडी का ब्लड प्रेशर मेयर ज़रूर करना चाहिए। एंजिना, एंजिना क्या है? इट्स अ चेस्ट पेन। एंजिना इज अ चेस्ट पेन अकर इन हार्ट रीजन। हार्ट मसल्स में अगर चेस्ट पेन अकर होता हो तो हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंजिना। क्यों होता है? जब हमारी मसल्स को इनफ रिच ऑक्सीजन नहीं मिलती, हार्ट मसल्स को अगर इनफ ऑक्सीजन ना मिले तो उस मसल्स के, हार्ट के कार्डिक मसल्स में पेन आकर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंजिना। इट्स अ सिम्टम ऑफ कॉर्नरी हार्ट डिजीज। एंजिना अगर कॉर्नरी हार्ट डिजीज हो, कॉर्नरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, थ्रोम्बस बन जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तब हार्ट की मसल्स की सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है या कम हो जाती है, तब ये एंजिना सिम्टम्स अकर होते हैं, मतलब कि चेस्ट पेन अकर अपीयर होता है। हार्ट अटैक,
हार्ट अटैक को हम साइंटिफिकली मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, आर्टरीज नेरो हो जाती हैं। आर्टरीज का अंदर जो बोर होता है, जो ल्यूमेन होता है, जो ओपनिंग होता है, वो नेरो हो जाता है। क्यों नेरो हो जाता है? जब आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स जमा हो जाएं, तब आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक हो जाती हैं, उनका जो ओपनिंग होता है वो नेरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अकर होता है। क्या होगा? ब्लड प्रेशर अकर होगा। जब वो आर्टरी, अगर कॉर्नरी आर्टरी हो, वो आर्टरी जो ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रही है, तब ऑक्सीजन रिच सप्लाई हार्ट को नहीं होगी, तब क्या होगा? एंजिना, हार्ट पेन। ड्यू टू अकोमोलेशन, ब्लड फ्लो थ्रू द कॉर्नरी आर्टरी गेट्स मोस्टली ब्लॉक्ड। जब कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाता क्विकली, और हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। देन दिस मसल्स बिगिन टू डाई। वो मसल्स क्या करती हैं? डाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक। क्या होगा? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है? चेस्ट पेन, आदमी डिस्कम्फर्ट फील करता है और चेस्ट में पेन आकर होता है। अपर बॉडी, शोल्डर्स, नेक वगैरह जो हैं वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट ब्रीथ, आदमी सांस नहीं ले पाता। ब्रेकिंग आउट इन कोल्ड स्वीट, फीलिंग अनयूजुअल टायर्ड, नो रीज़न, कोई सबब के बिना वो थका थका महसूस करता है समटाइम फॉर अ डे। नोसिया, वोमिटिंग, सर में दर्द होता है, दीज आर दी कॉमन सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को हम काफ़ी टेस्ट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं, और कौन कौन सी टेस्ट हैं? फर्स्ट ECG, ECG इज़ अ टेस्ट थ्रू विच वी कैन डायग्नोज दी हार्ट अटैक। हम हार्ट अटैक को डायग्नोज कर सकते हैं। ECG का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इको कार्डियोग्राफी के थ्रू भी हम हार्ट अटैक को क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। इको कार्डियोग्राफी को हम कॉमनली इको टेस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक मे नॉट अकर इफ़ यू हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अगर आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी है, गुड रिलेशनशिप हैं आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ, देन पॉसिबिलिटीज ऑफ हार्ट अटैक्स आर मिनिमम। डायबिटीज, कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ इंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम, हम ग्लैंड सिस्टम को कहते हैं। जो सभी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स की सीक्रेशन, उन ग्लैंड्स की स्टडी को हम एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं, और सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इंडोक्राइन हार्मोन सिस्टम। क्योंकि हमारे शुगर लेवल को जो कंट्रोल करता है वो खास स्पेसिफिक हार्मोन है, जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज लेवल बॉडी की बढ़ जाती है, ग्लूकोज लेवल ब्लड की बढ़ जाती है, और एक्सेसिव थ्रस्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन जो है, जिसकी वजह से सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ज़्यादा पानी की प्यास और जो यूरिन है वो फ्रीक्वेंटली पास होता है। इन दिस कंडीशन बॉडी डज नॉट प्रोसेस फूड प्रॉपरली फॉर यूज एनर्जी। जो ग्लूकोज बॉडी में मौजूद होता है वो प्रॉपरली एनर्जी नहीं दे पाता। डायबिटीज कैन कॉज अ सीरियस हेल्थ इशूज। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनको हार्ट इशूज़ भी होते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लाइंडनेस भी मुमकिन है। कौन से सिम्टम्स हैं डायबिटीज के? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंटली हमें जो है ना यूरिन पास होता है। एक्सेसिव थर्स्ट, पानी की जो प्यास ज़्यादा लगती है। वेट लॉस हो जाता है। एक्सट्रीम हंगर, भूख लगती है। सडन विजन चेंज, धुंध छा जाती है हमारे आँखों के सामने, सडनली हमारी जो विजन चेंज हो जाती है। और फीलिंग टायर्डनेस, आदमी थका थका महसूस करता है। जब ये एक्सट्रीम लेवल में चली जाए डिजीज़, तब वी कैन मेंटेन दैट डिजीज़ बाय आर्टिफिशियल हार्मोन इंसुलिन इंजेक्शन। क्योंकि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है वो है हार्मोन इंसुलिन। जब ये इंसुलिन हमारी पेनक्रियास नहीं प्रोड्यूस कर पाता, तब हम आर्टिफिशियली शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम इंसुलिन की इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं बिफोर टेकिंग फूड। और अडॉप्टिंग हेल्दी डेली प्रैक्टिस, टेकिंग एक्सरसाइज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द शुगर। शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए वॉक, एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफ स्टाइल हम ज़रूर अडॉप्ट करते हैं।
नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारी वो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स। डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स से क्या मुराद है? वो पार्ट्स हमारे बॉडी के, वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के जो अपना अपना जो फंक्शन है वो नहीं कर पाते, तभी हम उस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स। जब हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शनल हो जाएं, तब हम उसे निकाल के दूसरे किसी डोनर से लेके हम वो ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें, और वो जो डिसफंक्शनल ऑर्गन है वो हम निकाल के फेंक देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डिसफंक्शनल बॉडी पार्ट्स। नॉर्मैन शुमवे यूएसए से, जिसे फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का माना जाता है, उस फादर ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन नॉर्मैन शुमवे फ्रॉम यूएसए। ट्रांसप्लांटेशन से क्या मुराद है? ट्रांसप्लांटेशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द डिसफंक्शनल ऑर्गन विद अ हेल्दी वन। डिसफंक्शनल ऑर्गन को हम रिप्लेस करें हेल्दी वन से, किसी डोनर से हम हेल्दी जो ऑर्गन है वो लें और डिसफंक्शनल ऑर्गन को पेशेंट बॉडी में से निकाल के उस हेल्दी से हम रिप्लेस करें, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन मुमकिन है, किडनी की ट्रांसप्लांटेशन, लीवर की ट्रांसप्लांटेशन, दिस वाइटल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांट, हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट यूएसए का जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट है उन्होंने आर्टिफिशियल हार्ट प्रोग्राम 1964 में स्टार्ट किया एंड दैट सक्सेसफुली इम्प्लांटेड द आर्टिफिशियल हार्ट इन 1969। उन्होंने 1969 में आर्टिफिशियल हार्ट को इम्प्लांट किया इन प्लेस ऑफ नेचुरल हार्ट।